हेलो दोस्तों, आज का ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। वो लोग DTF प्रिंटिंग के बारे में पूछते हैं कि हम स्टार्ट करना चाहते हैं और DTF प्रिंटर कौन सा लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप सब्लिमेशन प्रिंटर से स्टार्ट करें, क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है और आपके पास, ठीक है, सब लोग चाहते हैं कि मैं हर टी शर्ट पर प्रिंट कर सकूँ और जो कि मार्केट में सेल हो रहा है या ऑनलाइन सेल हो रहा है या किसी ने पहने हुए, किसी को पहने हुए देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है तो वो मैं प्रिंट कर सकूँ। डेफिनेटली हर किसी की यही चॉइस होती है, लेकिन अगर हम DTF प्रिंटिंग से स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि जो नया काम स्टार्ट कर रहे हैं उनको अभी बिल्कुल नॉलेज नहीं है और DTF का काम स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मतलब ये है कि उसके लिए एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपको कौन सी टी शर्ट पे कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर रखना है, कैसे प्रिंट करना है। बहुत सारे मेरे दोस्त जो सवाल पूछते हैं उनको इनफैक्ट ये भी नहीं पता होता कि DTF प्रिंटर कौन सा होता है, कैसा होता है, कितने का होता है। तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना मुझे भी मुश्किल हो जाता है कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना के मैं इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ। तो जो दोस्त मेरे स्टार्ट करना चाह रहे हैं प्रिंटिंग, टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस, सब्लिमेशन से स्टार्ट करें। सब्लिमेशन प्रिंटर जो कि मार्केट में पहले L805 आता था एप्सन का, अब वो बंद हो गया है, अब उसकी जगह नया एडवांस प्रिंटर आ गया L8050। ये A4 साइज में होता है और पहले जो सब्लिमेशन प्रिंटर पहले आता था L1800A3 साइज में, वो भी बंद हो गया है और उसका ही एडवांस वर्जन जो है एप्सन ने L1800A3 साइज में स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, सब्लिमेशन प्रिंटिंग करने के लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, खाली प्रिंटर बाय करना है और सब्लिमेशन इंक बाय करनी है। कुछ लोग पूछते हैं सब्लिमेशन इंक कौन सी लें, कहाँ से लें और उसमें ब्रांड कौन सा लें। तो दोस्तों, सबली नोवा, मैं रिपीट करता हूँ, सबली नोवा एक ब्रांड है जो कि सब्लिमेशन इंक में डील करता है और इसकी इंक जो है अच्छी होती है, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन इसको चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नाम मेंशन कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपसे फिर रिपीट कर देता हूँ, सबली, सब्लिमेशन का सबली, नोवा, NOVA, सबली नोवा। तो सबली नोवा की आप प्रिंट इंक ले सकते हैं सब्लिमेशन के लिए। और 6 कलर प्रिंटर होता है हमारा एप्सन का, L8050 एंड L1800 जो कि सब्लिमेशन के लिए यूज़ होता है। तो 6 कलर आप जो है बाय कर सकते हैं सबली नोवा, ये आपको ऑफलाइन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास में कोई वेंडर हो वही आपको ये देगा, आप इसको ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे सर्च करेंगे वहाँ पे भी मिल जाते हैं और कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती है। तो जो आप प्रिंटर बाय करते हैं L8050 या A3 में L1800, उसको आपने सिर्फ और सिर्फ वो वाली इंक जो उसके साथ आती है वो नहीं यूज़ करनी है, उसके लिए आपने सब्लिमेशन इंक मंगा के और उसमें फिल करनी है बॉटल्स जो है, और आपका सब्लिमेशन प्रिंटर रेडी है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए, इसके अलावा आपको जो है एक सब्लिमेशन पेपर भी चाहिए होता है, वो भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, ऑफलाइन भी मिल जाता है। तो वो आप ले सकते हैं और प्रिंट निकालें और टी शर्ट पर हीट ट्रांसफ़र करें और आपका रेडी। तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ, जो दोस्त मेरे नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं सब्लिमेशन से स्टार्ट करें, उसके लिए आपको ज़रूरत है एक सब्लिमेशन प्रिंटर, सब्लिमेशन इंक, सब्लिमेशन पेपर और इसके अलावा आपको हीट प्रेस मशीन। हीट प्रेस मशीन में आप 5-in-1 प्रिंटिंग मशीन भी ले सकते हैं जो कि तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास आती है, कहीं 10,500 होगी, कहीं 10,000 रुपये होगी और हो सकता है कहीं आपको 9,700-800 रुपये में भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप 5-in-1 नहीं लेना चाहते हैं तो सिंगल मशीन आती है, हीट प्रेस मशीन जो होती है वो आपकी जो है तकरीबन 11,000 से 12,000 रुपये के बीच में होती है। तो चॉइस है आपकी, अगर आपको एक ही मशीन से टी शर्ट भी प्रिंट करनी है, मग भी प्रिंट करना है, कैप भी प्रिंट करनी है, तो आप जो है 5-in-1 मशीन ले सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस ही करना है तो आप 5-in-1 पे नहीं जाके आप जो है हीट प्रेस मशीन बाय करें ओनली, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं फिर से बताऊं आपको कि अगर सब्लिमेशन प्रिंटर की बात करें, आज की डेट में 20-22 हज़ार रुपये के आसपास आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन में देखेंगे तो हो सकता है 1,500 रुपये कम भी मिल सकता है। और उसके अलावा हीट प्रेस मशीन की बात करते हैं 10,000 रुपये, तो 22,000 का प्रिंटर और 10,000 रुपये की हीट प्रेस मशीन, तो 32,000 इंक आ जाएंगी आपकी तकरीबन, इसकी इंक और पेपर 3,000 रुपये में आ जाएगा आपका कंप्लीट। तो अगर हम बात करें तो 32 और 3 35,000, तो 35,000 रुपये में आज आप अच्छे प्रिंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। जो एप्सन का L8050 प्रिंटर है ये एक अच्छा प्रिंटर है, पहले 805 था, अब उसका एडवांस 8050 आ गया है। और अगर इसको आप बाय करते हैं तो होपफुली आपका ये 2-4-5 साल नहीं ख़राब होता है। मैंने भी L8050 भी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास एक L810 भी है,
एप्सन के ही दोनों प्रिंटर हैं और 4 साल से चल रहे हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बीच बीच में नोजल्स ब्लॉक होते हैं या प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है तो मुझे हेड क्लीनिंग करना पड़ता है, वो भी कुछ महीने में एक बार, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आप ये प्रिंटर बाय करते हैं, मशीन बाय करते हैं, ये 4-5 साल आपका आराम से चलेंगी। इंक आप जो फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे तकरीबन उसमें 300-400 प्रिंट आपके निकल जाते हैं और फिर से आपको इंक बाय करनी पड़ेगी, तो आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। तो टी शर्ट्स आप ले लें, सब्लिमेशन इंक ले लें और सब्लिमेशन प्रिंटर यानी कि एप्सन का प्रिंटर A4 A3 में ले लें, तो आप सब्लिमेशन का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आते हैं DTF प्रिंटर। अगर आपको DTF प्रिंटर चाहिए, अगर आप सोचते हैं कि मुझे DTF प्रिंटर भी मिले और मैं उसी से ही काम स्टार्ट करूं, तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा आप किसी और के पास अगर DTF प्रिंटर लगा हुआ है तो उससे आप स्टिकर्स लेके और बिजनेस स्टार्ट करें, और धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपके पास ब्लैक डार्क कलर टी शर्ट्स का काम ज़्यादा आ रहा है, DTF स्टिकर्स की आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तब आप मशीन बाय करें, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप A4 A3 एप्सन के A4 A3 प्रिंटर लेते हैं जिसको आप DTF में कन्वर्ट कराते हैं, एक तो कॉस्टली पड़ता है और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। अगर जब भी आपको प्रिंट निकालना है उसका हेड क्लीन करना है, अगर आप प्रिंट नहीं भी निकाल रहे हैं, आज सपोज आपके पास कोई काम नहीं है, संडे है, छुट्टी है, आपने कोई काम नहीं किया, तो उसके बाद भी आपको जो है उसको मेंटेन करना है, उसको क्लीनिंग करना है, उसका एक प्रिंट ज़रूर निकालना है, उसकी हेड क्लीनिंग करनी है, तो ये डेली का प्रोसेस है, ये करना ही करना है आपको, अगर आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो भी और नहीं निकाल रहे हैं तो भी। तो इसमें हेड ब्लॉक होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं और काफ़ी कंप्लेंट्स भी आती हैं। काफ़ी सारे वेंडर्स जो है पहले A4 प्रिंटर्स को कन्वर्ट कर रहे थे DTF प्रिंटर में, अब उन्होंने बंद कर दिया है इसको कन्वर्ट करना क्योंकि उनको काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो अब जो है जब वही नहीं बना रहे हैं उनको काफ़ी कंप्लेंट आ रही हैं, तो आप लोगों को भी वो चीज़ नहीं बाय करनी चाहिए जिसको लेके आप कल को परेशान होंगे। तो स्टार्ट कीजिए सब्लिमेशन प्रिंटर से, किसी भी लाइट कलर गारमेंट से प्रिंट करें, टी शर्ट पे प्रिंट करें, कैप पे प्रिंट करें, मग पे प्रिंट करें, यहाँ से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट के साथ में। और अभी DTF स्टिकर आप जो है आउटसोर्स करें, और जब आपको लगे कि रोज के 30-40-50 स्टिकर्स या 30-40-50 टी शर्ट्स का ऑर्डर मेरे पास आने लगा है, तब जो मशीन आती है, जो कमर्शियल मशीन होती है, प्रोडक्शन मशीन होती है, वो स्टार्ट होती है 2 लाख रुपए से, उसको बाय करें। उसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है, स्पीड ज़्यादा होती है और प्रिंटिंग भी अच्छी आती है। जो एप्सन के प्रिंटर्स हैं इसमें स्पीड भी कम होती है, मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है और कॉस्ट वाइज भी ज़्यादा पड़ता है। तो बेटर रहेगा कि आप अभी DTF स्टिकर्स आउटसोर्स करके काम स्टार्ट करें और बाद में आप जो है प्रोडक्शन मशीन पे जाएं और उसको लें और उससे अपना काम बढ़ाएं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन होपफुली आप लोगों के काम की होगी। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और फर्दर वीडियो मैं आपके लिए बनाता ही रहता हूँ, मैं बनाऊँगा। आप कमेंट्स में लिखें कि आपको किस तरीके की वीडियोस चाहिए या परेशानी आ रही है। मेरा काम प्रिंटिंग का है, मैं मशीनें नहीं बेचता हूँ, तो प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या इंक्वायरी है आपकी, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू दोस्तों।